कृप स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब दे दे ये बलिदान हम तेरा भागी बना, दे दे ये बलिदान हम तेरा भागी बना, आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा, तेरी कीर्ति महान है तू ही तो है सबसे महान, तेरी वरदान हमें तेरा भाग्य बना, हमें तेरा भाग्य बना, आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आए हम सब सबको जय यीशु की जय यीशु की हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद पवित्र आत्मा को धन्यवाद, हे पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन के लिए हम सबों के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन के हम सबों के जीवन में हम सबों के जीवन में बरसाए हुए बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए सभी आशीषों के सभी वरदानों के लिए सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार उस प्रभु ने हम सबों को उसके दरबार में इस महान बलिदान को चढ़ाने के लिए एकत्रित किया है और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को प्रतिदिन प्रभु आशीष देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा और अनुग्रह हमें प्रदान करता है। आज के दिन में जो हम सभी इस मिस बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को बताता है वो करुणामय ईश्वर है, दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है। जब हम उस ईश्वर को पुकारेंगे वो ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है, हमें उत्तर देने वाला ईश्वर है। आज के पहले पाठ में हम इसी बात को हम सुनेंगे सारा। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से अपना जीवन में जो भी बाधा थी कलंक था उसको दूर करने की कृपा मांगते हैं। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है जब हमें बाइबल यानी कि धर्म ग्रंथ का ज्ञान होगा, हमें ईश्वर का ज्ञान होगा, ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम सभी जान जाएंगे। जब धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे तो दुनिया भर के लोगों के बातों को सुनकर हम उलझन में पड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु जिन्होंने प्रभु से सवाल किया तमाम बातों को लेकर, प्रभु उनको यह उत्तर देते हैं, क्या तुम धर्म ग्रंथ नहीं जानते हो?
क्या तुम ईश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते? प्रभु उनसे सवाल करता, क्योंकि उनको धर्म ग्रंथ और ईश्वर के सामर्थ्य के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए प्रभु से वो अलग अलग प्रकार के सवाल कर रहे थे और प्रभु ने उनको उत्तर दिया। यानी कि धर्म ग्रंथ में हमारे सवालों का उत्तर है, और ईश्वर के सामर्थ्य जो जानता है वह व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। आइए हम प्रभु के इस वचनों को स्वीकार करें और इस वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम सभी मांगें। इस बलिदान को योग रीति से चढ़ाने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह गलती पाप अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए इस बलिदान को चढ़ाएं। आइए हम सभी मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धनिया मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरा विधान कभी विफल नहीं होता, हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ। तोबित दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई है, तेरे निर्णय सही है। हे प्रभु मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए, और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया वहां हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु तेरी जैसी इच्छा हो
मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर, मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कई अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रघुवेल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमाश सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हथियारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखे। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमा में सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय टोबित तथा सारा दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफाइल को भेजा गया जिससे वे उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थना एक ही है समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना होने दे, मेरे शत्रु मेरा उपहास ना करने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, जो तेरा विश्वासघात करते हैं वही निराश हो जाते हैं। आपका अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। आपका अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु अपनी करुणा और दयालुता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। आपका अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपना मार्ग बताता है। आपका अनुवाक्य, हे प्रभु मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सदूकी यीशु के पास आए, उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करें। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी यही हुआ और 7ों भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7ों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य? क्योंकि जब वे मृतक में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है,
क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मनुष्यों का नहीं, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति की महिमा के लिए और हमारे सातवीं समस्त पद कलीसिया के लाभ के लिए आपके बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्साह पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र खारी कृपा हमें शुद्ध करे, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, या तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, सर्वप्रति तेरे महिमा से परिपूर्ण है, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, और हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्यपन निराशा घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं क्या आप मेरे यहाँ किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आप सभी मन ही मन ये प्रार्थना को मेरे साथ बोलें। प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकारिस्टीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझसे एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊँ। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ वचन के रूप में, पावन स्पर्श के रूप में मेरे जीवन में आने के लिए। मेरे साथ रहिए प्रभु, मेरे साथ चलिए। संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यारे भरा ये निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए, नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा, नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंदिर हो, तुम हमारी पावन मंदिर हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और मार्ग कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की जय। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।